So I have reached to Kelashi beach और आप difference देख सकते हो. I mean, look at the sand. बहुत अच्छा है, right? तो जैसे आप मुंबई से दूर चले जाते हो, जैसे भी अलीबाग से दूर चले जाते हो, तो industrial area जो है वो खत्म हो जाता है. और that is the reason जो sand है वो towards whiteness के लिए move करता है. Okay, तो ये sand अभी अच्छा खासा wide है. Okay, जैसे आप आगे आगे जाते जाओगे towards Goa side, तो sand और better होता जाएगा और beaches भी और better होते जाएंगे. Okay, so I'll just show you this beautiful Kelshi beach. बहुत बड़ा beach है यार. And you can see there is hardly any people here. Very serene, very beautiful. यहाँ पे ये सुरु के पेड़ लगा के रखे हैं. इसके नीचे यहाँ पे बैठ के आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो. My bike is also parked there. और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है. वहाँ पे कुछ लोकल पीपल है. So now I will just sit here and relax and watch this beautiful beach in front of me. Okay, और देखता हूँ. आज फ्राइडे है तो कुछ अच्छा नॉनवेज खाने के लिए मिलता है. तो मोस्ट एक बजने के लिए है तो मैं थोड़ा लंच देखता हूँ. अगर नॉनवेज लंच मिल जाएगा तो नथिंग लाइक इट. और अभी ये मैं नीरज विसावा करके एक MTDC अधिकृत होटल है तो वहीं पे रुका था. ओके, तो वहीं पे मैंने मेरा लंच कर लिया. सो इट इज़ MTDC रेगुलेटेड होटल. ओके, तो यहाँ पे आके आप रुक भी सकते हो. ओके, आप ओवरनाइट स्टे है यहाँ पे MTDC के थ्रू भी बुकिंग चलता है, नहीं तो आप डायरेक्टली भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बीच. ओके, बहुत सेरेन है, बहुत पीसफुल है, ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते नहीं है. ओके, सो एंड बहुत बड़ा बीच है, आपने देखा होगा. ओके, सो इट्स आइडियल प्लेस. ओनली थिंग इज यहाँ पे जो फिश है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये जो गांव है यहाँ पे ज़्यादा फिश मिलता नहीं है. तो इधर आपको बाहर से फिश लेके आना पड़ेगा और इनको बोलना पड़ेगा कि पकाने के लिए, नहीं तो यहाँ पे जो भी फिश आता है वो हरणे, जहाँ पे हम लोग जाएंगे आज, वो हरणे जो होलसेल फिश मार्केट है तो वहीं से आता है. तो थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ पे फिश, यहाँ पे फूड थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाकी स्टे इज गुड. ओके, लोग भी अच्छे हैं. ओके, सो मैंने तो अभी लंच कर लिया है. तो अभी केशी में ही एक महालक्ष्मी टेम्पल है और एक याकूब दरगाह है, तो वहां पे मैं जा रहा हूँ. याकूब दरगाह बहुत फेमस है. तो ये है केशी का महालक्ष्मी टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है और बहुत बड़ा भी है. तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा टेम्पल है. बाइक भी यहाँ पे पार्क करके रख दिया है. महालक्ष्मी टेम्पल से हम लोग चलते हैं याकूब दरगाह. एंड दिस इज अ फेमस याकूब दरगाह. तो आगे चल के देखते हैं. अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है. सो हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी दरगाह. शायद अभी बंद है. लॉक करके रखा हुआ है. बट इसके पीछे साइड से आपको एक खूबसूरत व्यू भी दिखता है. अब ये पूरा का पूरा केशी बीच देख सकते हो यहां से. समवेयर वहीं पे मैं किधर रुका था खाना खाने के लिए. इज अ केशी बीच.
सो बहुत खूबसूरत जगह है. ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि इस दरगाह में शिवाजी महाराज संभाजी महाराज को लेके आया करते थे. ओके, और जो यहाँ के ये जो दरगाह के जो प्रमुख है, ही यूज टू वर्क लाइक ए मेंटर, उनसे वो सलाह मशवरा भी करते थे. तो ये जो दरगाह का फाउंडेशन है, इस दरगाह को शिवाजी महाराज ने बनाया ऐसा बोला जाता है. अभी इसमें सही कितना है गलत कितना है मुझे भी नहीं पता. ओके, ऐसे मैंने गांव वालों से सुना. तो अगर ये सही है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए. ओके, कि सही है करके ये. पर एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि ये ऐसी जगह है, बहुत ही पीसफुल है, सेरेन है. आपको यहाँ पे एक सुंदर बीच दिखता है. सो इट्स आइडियल प्लेस फॉर शिवाजी महाराज टू कम एंड रिलैक्स नियर बाय बीच एंड एंजॉय एंड थिंक अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स हाउ टू एक्सटेंड मराठा एम्पायर. सो इफ यू कम टू केशी, डोंट फॉरगेट टू विजिट दिस प्लेस.